फ्रेंड्स, अभी रात के अप्रॉक्स 12:30 हो रहे हैं, और अगर आपने जी विनोद का व्लॉग देखा होगा तो हम लोग गए थे चाट चौपाटी, और हम लोग आए हुए हैं वृंदावन में। तो हम लोगों ने वहाँ पे अपना डिनर तो कर लिया था, लेकिन हम लोग जैसे लेट नाइट जगे रहते हैं, एडिटिंग करते रहते हैं, तो हमने अपने लिए पनीर टिक्का ले लिया था। लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, अगर कभी आप वृंदावन आओ तो मैं आपको चाट चौपाटी रेस्टोरेंट रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये चीप एंड बेस्ट है, और यहाँ पर आपको काफ़ी वेराइटी मिल जाएगी, नॉर्थ इंडियन से लेके चाइनीज़, इटालियन, और काफ़ी सारी वैरायटी। स्वीट्स में भी इसकी बहुत वैरायटी होती है, मॉकटेल्स। बस मैं तो पागल ही हो गई थी वहाँ पे जाके, और वहाँ पे आपको विंटर्स टाइम में गरम गरम गुलाब जामुन और हलवा भी मिल जाएगा। तो चलो मैं अपना पनीर टिक्का ट्राई कर लेती हूँ। अभी अभी तक ये गर्म है, जबकि ठंड है आज काफ़ी, है ना मम्मा? ये रहा पनीर टिक्का, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। लेट्स ट्राई। फुल ऑफ स्पाइसेस, मतलब उसमें इतने मसाले हैं, बस मतलब थोड़ा सा ठंडा हो गया आई थिंक। हाँ, थोड़ा सा ठंडा हो गया, क्योंकि सर्दी में थोड़ा गर्म गर्म खाते हैं ना, बिल्कुल। एक्चुअली पैक करा के लाने में भी ना थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है, थोड़ा टाइम हो गया ना, तो थोड़ा ठंडा हो गया है ना, क्योंकि इसमें से ना धुआं नहीं उठ रहा है। रेस्टोरेंट भी होटल से दूर था, लेकिन काफ़ी टेस्टी है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप वहाँ का पनीर टिक्का। चौपाटी इज द बेस्ट प्लेस फॉर फूड, बेस्ट रेस्टोरेंट इन, हाँ, वृंदावन में, बेस्ट एंड चीप टू। तो अगर आपको पनीर टिक्का अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप भी बाकी भी हरी के भक्त हो तो सब्सक्राइब करें, मेरा बिल्कुल मत जाना, कमेंट में भी जरूर बताना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम जल्दी से खा के सो जाते हैं, वरना तो वे उठ नहीं पाएंगे।